हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रानीज किचन। जी हाँ, लग तो पिज्जा ही रहा है, पर ये है रोटी पिज्जा। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे रात की बची हुई रोटी से भी बना सकते हैं और इसे आप ताजी रोटी से भी बना सकते हैं। बनाना क्या है जी, रोटी को सजाना ही है जी। रोटी पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए एक रोटी, 8 से 10 टूथपिक, ना गैस का झंझट ना मसालों की टेंशन। एक रोटी लीजिए, डेकोरेट कर लीजिए। और जी, पिज्जा का मेकअप करने आ रही हैं एगलेस, मेयोनीज, शेफ स्पेशल सॉस, पास्ता एंड पिज्जा सॉस, ओरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। ये सारी चीजें ना बच्चों की बड़ी फेवरेट होती हैं। और इसका साथ देंगे कैप्सिकम, टमाटो एंड ऑनियन। इन सभी को हमने एक जैसे पीसेस में कट कर लिया है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं पनीर महाराज, इन्हें हमने तवे पे ही फ्राई कर लिया है। अब आ जाते हैं रोटी की तरफ। देखिए, इस तरह फोल्ड करके हमें टूथपिक लगाना है चारों साइड पे। इस तरह का शेप बन जाएगा। इसे 30 सेकंड्स के लिए माइक्रो पे बेक करेंगे। 30 सेकंड्स के बाद देखिए थोड़ा ये हार्ड हो गया। अब इस पे जाएंगी पिज्जा सॉस। ऑनियंस टोमेटो कैप्सिकम, बस डेकोरेट करते जाइए आप। ये काम के लिए तो बच्चों को लगा दीजिए, बस थोड़ी हेल्प कर दीजिए आप, उन्हें एक रोटी बना के दे दीजिए। बाकी तो सारा उन्होंने डेकोरेट करके आपको टेस्ट करवा देना। अब आ जाएंगी मेयोनीज सॉस। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। फिर से कैप्सिकम। खाया आपने ऐसा पिज्जा कभी? तो जी बनाइए और खाइए। टोमेटो जहां भी आपको डेकोरेट करना है करते जाइए, हर बाइट पे अलग ही टेस्ट आएगा। देखिए, मुझे कैप्सिकम काफी पसंद है, इसलिए ज्यादा मैं यही यूज कर रही हूँ। थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इस पे ऐड करते हैं ब्लैक पेपर पाउडर एंड थोड़ा सा नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और इसके ऊपर जाएगी काफी सारी ग्रेटेड चीज। पूरा कवर कर दीजिए इसे, तभी तो चीजी पिज्जा बनेगा। दैट्स इट। चीफ गेस्ट साहब भी वेट कर रहे हैं, इन्होंने सबसे आगे ही रहना है। तो ये आ गए चीफ गेस्ट, यानी कि पनीर। ठीक है जी, है ना बड़ा इजी। जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए इसे और मुझे कमेंट्स पर बता दीजिए कैसा लगा आपको रोटी पिज्जा। इसके ऊपर जाएंगे चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, फिर से इसे माइक्रो पे 1 मिनट के लिए बेक करेंगे। पिज्जा अभी बना है नहीं, खाने की तैयारी पहले कर ली मैंने। थोड़ी टोमेटो सॉस भी डाल लेती हूँ।
पिज्जे के साथ मुझे बड़ी पसंद है। देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट के बाद चीज सारी मेल्ट हो चुकी है। अब हमें टूथपिक को निकाल देना है। अब इसे कट कर देंगे। रानीज किचन का टेस्टी टेस्टी डिलीशियस रोटी पिज्जा तैयार है। खाने की तैयारी तो पहले से ही हो चुकी है, तो आइए इसे टेस्ट करते हैं। गर्मा गर्म और टेस्ट के लिए इस पर डाल दीजिए ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। वेरी टेस्टी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करते जाइए। एक बात और, इसे प्लीज बच्चों के लिए एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वो कहते हैं ना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ना ना, जमाना बदल चुका है। रोटी पिज्जा खाओ, मजे लेते जाओ।